अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप ये एक मंज़र देख रहे हैं, दो बच्चे बैठे हुए हैं। ये दुबई में एक बिल्डिंग है जिसमें 250 ऑफिस है और ये लंच टाइम है। तो ये बच्चे अपने ऑफिस से निकले, इधर लिफ्ट भी लगी है, बहुत 7 मंजिलों पे तो इनकी कार पार्किंग है और हर ऑफिस की 5-6 गाड़ियां हैं यहाँ पे। हम भी तीसरी मंजिल पे खड़े हैं, गाड़ी में ही है, जी साहब का वेट कर रहे हैं, उनका ऑफिस भी इधर है। तो ये दो बच्चे लंच के लिए बाहर निकले और ये शॉपर में अपना खाना लेके आए हैं और दोनों बैठ के ना अपना लंच कर रहे हैं। मैंने कहा आपको शेयर करा दूँ, परदेश में यही होता है, परदेशियों की ज़िंदगी। और वो जो सामने खड़े हैं, ये साथ ये लिफ्ट है, कोई लिफ्ट से उतरा है तो कोई चढ़ रहा है। इधर से कई बच्चे, जवान लड़के लड़कियां उतरी हैं, कोई दूसरी साइड पे गई हैं, कोई इधर। तो ये परदेश में ऐसा ही होता है। ये बेचारा वो भी साथ ही बैठ गया। अब ये सारे मिल के खाएंगे घर से, पता नहीं घर क्या होता है, एक कमरा होता है जिसमें 4-5 बंदे एक ही साथ ही रहते हैं। तो जो होता है तैयार वो भी उठा के ले आते हैं, फिर यहाँ बैठ के खा लेते हैं। आपको शेयर करा लूँ, वो ज़रा हमसे दूर है ना, जूम करके मैंने इसको किया है। ये देखें, पता नहीं क्या इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो शापर से रोटी निकाली है, ये देखें ये रोटी है और ये दूसरी रोटी है। और इसको आधा किया है और अब इन्होंने ये पहलाने वाला बेचारे के मुंह में कि अल्लाह नसीब करे, पता नहीं किस चीज़ के साथ ये खा रहे हैं। शापर के अंदर से किस चीज़ में, देखो बर्तन तो है ही नहीं इनके साथ, इनके पास बर्तन तो है ही नहीं। देखें शापर के अंदर ही नवाला करके तो ये खा रहे हैं। 3 बच्चे हैं, जवान बच्चे, पता नहीं किस मुल्क के हैं, कुछ आपस में बोल रहे हैं लेकिन हमसे चूंकि ये दूर हैं, हमें इनकी ज़बान समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी ज़बान बोल। व्यूअर्स, सब परदेसियों के लिए दुआ करें, रोज़ी कमाने के लिए आए हुए, तो अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकतें डाल दें। देखें मुझे भी तो इनको देख के भूख लग रही है और शायद आप लोगों को भी लग रही हो। इस तरह खाने का तो मज़ा ही कुछ और है, देसी तरीक़ा। शापर में सालन तो हाथ में रोटी और फर्श पे बैठे हुए, वो कोई ये कार पार्किंग वाली जगह है तो वहाँ बैठे हुए आराम से तो खा रहे हैं। प्यारी व्यूअर जी, अभी तक ये खाना खा रहे हैं, अभी इनका खाना ख़त्म होने वाला है शायद। वो कोई उसको बुलाने के लिए कोई लड़की आई है, ये वो भी साथ ही बैठ गई है। ये देखें शायद इसकी, ये कोई चाइनीज़ है, लड़की तो चाइनीज़ है, तो लड़कों का नहीं पता कि वो किस मुल्क हैं, वो चाइनीज़ नहीं लग रहे, या तो इंडियन है तो या पाकिस्तानी है। उनकी ज़बान नहीं समझ आ रही। ये इसने भी नवाला ले लिया, ये देखें, ये यहाँ तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है,
पता नहीं कितनी देर के लिए इनका होता है ब्रेक होती है। देखिए नहीं सुनसान सी जगह ये सब, देखिए गाड़ियां खड़ी हैं। इधर हमारे पास भी गाड़ियां खड़ी हैं नज़दीक, बस इधर से इन खिड़कियों से कोई रोशनी आ रही है, फिर उधर खिड़कियों से आ रही है हमारे पास गाड़ियां हैं। जब क्या खा रहे हो? ये जी भिंडी गोश्त है, वो साबुत मसर है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये साबुत मसर है और वो भिंडी गोश्त है, तो ये घर से लेके आए हो? बिल्कुल, घर में खुद बना लेते हो? खुद ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये हैदराबाद के है तो आप उसके हो? मैं लाहौर। लाहौर के? और आप बच्चे? इंडिया के। कौन सी जगह? महाराष्ट्र, पुणे। अच्छा, तो ये बेटी? मैं मॉरिशस। ये मॉरिशस? मॉरिशस कौन सी जगह? इंडिया? नहीं, ये है ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में कंसीडर किया जाता है, आइलैंड है। अच्छा अच्छा, तो सारे एक ही ऑफिस में काम करते हो? हाँ जी, एक ही ऑफिस में। अच्छा अच्छा, तो कितने अरसे बाद घर जाते हो? नहीं, इधर हम रोज घर जाते हैं। नहीं नहीं, अपने वतन में? वतन में साल बाद। साल में? फैमिली भी रखी है क्या? अकेले हो? अभी यहाँ पे तो अकेले हूँ, मैं फैमिली में। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह खुश रखे बच्चों। घर से रोजी के लिए निकले हो ना, तो अल्लाह ताला बरकत डाले और अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। असल में मेरा है चैनल, मैं उसके लिए बना रही हूँ कि इसको यूट्यूब पे डालूँ कि परदेश में बच्चे इस तरह बैठ के खाते हैं। हाँ मुझे फ़ोन में करो ना। किसके पास है? सब्ज गुंबद डेली व्लॉग। सब्ज गुंबद डेली व्लॉग, सब्ज गुंबद। फोन है किसी के पास? नेट नहीं है। नहीं तो आप उसकी कर दो नेट के पे। आप वो बस नंबर सेव कर दीजिए, फिर आप मेरे नंबर फिर मैं सब्ज गुंबद डेली व्लॉग मिल जाएगा। सब्ज गुंबद, सब्ज गुंबद तो सबको पता है, तो डेली व्लॉग्स। हाँ यूट्यूब, यही नाम क्या? यही नाम है बस, आप सब सर्च करो ना यूट्यूब पे, सब्ज गुंबद डेली व्लॉग। ठीक है, उस पर आपको ये आपकी अपना भी ये मिल जाएगा। चलिए ठीक है ना, अपने फिर घरों में भेजो ना कि देखो हम इस तरह करते हैं। एक आंटी आई थी और उन्होंने हमारी वीडियो बनाई है। दुआ मैंने उधर गाड़ी में भी बैठ के आप लोगों के लिए दुआ की, फिर मैंने कहा मैं खुद जाके इनसे मिलती हूँ। तो मैं नज़दीक से भी बना लूँ ताकि लोग भी देखें, वो भी आप लोगों को दुआ दे। कुल परदेसियों के लिए दुआ करते हैं हम लोग। जी, तो आपका नाम क्या है? जी प्रिया। प्रिया प्रिया प्रिया। और आपका बेटा? नौशान। नौशान नौशान नौशान। और आपका? सलमान। सलमान। और आपका बच्चे? अहमद। अहमद, सही। अल्लाह ताला खुश रखे आपको और अल्लाह ताला आबाद रखे। और प्यारी व्यूअर्स देखो, ये परदेसी हैं। लोग कहते हैं परदेस गए हुए हैं तो बहुत कुछ कमाते होंगे, देखो ये इतनी मेहनत करके तो वो कमाई करते हैं। गर्म के शहजादे हैं ये, और यहाँ देखो फर्श पे बैठ के खा रहे हैं। आप सब के लिए रोज़ी कमाने वाले मेहनत कश बच्चे, मुजाहिद है ये, तो जहाद कर रहे हैं ये बच्चे। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत डाले और अल्लाह इनको आबाद रखे, और इनके लिए आप सब भी दुआ करें। अच्छा बच्चे, अल्लाह हाफिज़।
अरे भी बस मिनटी बच्चे जो जहाज पे निकले हुए, मैंने कहा एक तो दो पाकिस्तानी, एक अफ्रीका की है, एक इंडिया का बच्चा, देखो सारे मिलजुल के खा रहे हैं, इतफाक में बरकत है और मिल के खाने में भी बरकत है। तो आप भी मिल के खाओ, इतफाक से ये ना देखो कोई किस मुल्क है, कोई किस मुल्क है, कोई किधर है, कोई किधर है। तो जहाँ भी मौका मिले एक साथ मिल बैठ के खाओ, और हमें भी दुआओं में याद रखो, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, पुराने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और इसको वॉच भी करें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा व्लॉग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक यूनिक व्लॉग बन गया ये, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आया होगा। एक परदेसी की ज़िंदगी ऐसी ही होती है प्यारी व्यूअर्स। में हम घर से निकलें, हाजी साहब अपने ऑफिस गए हैं घर से, उन्होंने बिरयानी पकवाई, ऑफिस के सब मेंबर्स ने कहा आपकी फैमिली आई है पाकिस्तान से तो हमें घर की बिरयानी चाहिए। आज हमने एक बिरयानी बनाई, और वो बिरयानी और रायता लेके ऑफिस गए हुए हैं ऊपर। उसके बाद वो ऑफिस टाइम से फारिग होंगे। हम इधर कार पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठे हुए, तो ये बच्चे नज़र आए, मैंने कहा शेयर करा लूँ, और आज के बाद हम कहाँ जाएंगे वो आपको मैं शेयर करा लूँगी। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी परदेसी हूँ, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। और तमाम व्यूवर्स को ये उठना बैठना और सोना जागना, सांस लेना, खाना पीना, अपने घर में सुकून से बैठ के पंखे के नीचे बैठ के खाना बहुत मुबारक हो। अब मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी से निकली और मुझे पसीने आ गए, और ये बच्चे देखो अभी तक उधर से अपने शापर समेट रहे हैं, अपने शापर समेट रहे हैं, और खा पी के अब लंच टाइम इनका ख़त्म है, फिर जाके अपने काम पे लग जाएंगे। ये उसमें है क्रेडिट कार्ड के ऑफिस में, 41 नंबर फ्लोर पे है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये माशाल्लाह, जिसकी अल्लाह उसको नसीब करे। जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी अपनी कमाई नसीब करे और अपनी हिफाजत दे दें, और शरपसंदों से, बुरे लोगों से, बुरे मर्दों से, बुरी औरतों से, कुल मर्दों को औरतों को अपनी हिफाजत अता फरमाए, आमीन। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। Yeah, she's so big.